आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है निक ने, और वीडियो का टाइटल है दिस एड नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल विल रॉक यू टुमारो लैंड ऑफ इंडिया वेरी एंटरटेनिंग। और हम लोग नॉर्थ ईस्ट को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं आजकल, और जितना हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं उतना ज्यादा अच्छा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पर वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ अंकुर ज्योति को, जिन्होंने हमें ईमेल लिखी और उन्होंने बोला कि एक्चुअली उन्होंने हमें एडवाइस दी थी कि हम लोग जो एयरफोन्स यूज करते हैं उसके लिए हम लोग जो वो डबल जैक नहीं होता वो यूज कर लिया जैक, तो हमने लिया था, लेकिन हम लोगों ने यूज ही नहीं किया उसको, हम लोग एक एक ही मतलब वो असल में हम दो लगाते हैं ना तो फिर हम दोनों को एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती, हम लोगों को ना वो फिर लगाना हम लोगों ने बंद करे क्योंकि हम लोग एक बार तो फिर हमें हम लोगों ने दो तीन बार हम लोग क्या आपस में वो वीडियो देखते डिस्कशन करते हैं वो हम लोगों को फिर याद नहीं, मतलब हमें समझ नहीं आता। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Oh,
Wish all the hashtags, likes, and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. Thank you.
बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट जितना खुद खूबसूरत है, इसके फेस्टिवल भी उतने रंगीन, खूबसूरत, कल्चर से भरे हुए, और कल्चर के साथ मॉडर्न टच भी उनके फेस्टिवल में आपको पूरा नजर आ रहा था। और यही चीज ज्यादा और आपको अट्रैक्ट करती है, डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ वहाँ पर फेस्टिवल्स हो रहे हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर आप वैसे अगर देखा जाए तो हर फेस्टिवल में ऑलमोस्ट टूरिज्म को ही प्रमोट किया जाता है, जैसे एक्टिविटीज डिफरेंट रीड आती है।
जैसे एक बीच पे था, मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो काइट वाला है, लेकिन वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि म्यूजिक हर जगह अवेलेबल. अच्छा, वही मैं बात करने लगा था. हमने इससे पहले जो सनबर्न गोवा देखा था, सनबर्न गोवा के जो हमने स्टेजेस देखे थे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत ऑसम किस्म के स्टेजेस थे. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टेजेस वैसे कभी भी नहीं देखे लाइव के. मेरा ख्याल है जो यहाँ पे मैंने लाइव कॉन्सर्ट जो छोटे छोटे देखे हैं ना, वो क्या नाम लेते हैं, नहीं थे इस लेवल के. और मैं बदन कभी होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे नहीं मालूम. नॉर्थ ईस्ट में भी देखे हैं, और जो मतलब वहां पर भी स्टेज है जो मतलब वहां इतने बड़े स्टेज है वो यहाँ पर इतने बड़े वो भी नहीं बनते. अच्छा, मैं वही बात करना था. मुझे ये था कि सिर्फ बड़े बड़े फेस्टिवल जो है साउथ वाली साइड पे या नॉर्थ वाली साइड पे ही होते हैं. ये नहीं था मालूम कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे भी इतने बड़े बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पे आपको पूरा पूरा एक मंच दिया जाता है, जहाँ पे आके सेलिब्रिटीज, हाँ वहाँ के लोकल सेलिब्रिटीज जो होते होंगे वो भी आके परफॉर्म करते होंगे. अच्छा, बीच में एक पांच लड़कों का ग्रुप था जिसे मैंने कहा था याद है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे वो लगा था कि वो जो याद है चार पांच लड़के हैं जिनपे डिफरेंट किस्म के म्यूजिक लगा के, कभी चुनरी चुनरी सॉन्ग, कभी पीपल पार्टी का गाना, वो लगा के काफी ज्यादा ट्रेंड किए जाते हैं. वही वाला है कि नहीं, लेकिन मैं भी ये जरूर पूछना चाहती थी कि ये वाले जिनसे लड़कों का ग्रुप है डांस मतलब वो सिंगिंग का, आई थिंक वो कौन सा है हमें जरूर बताइएगा. लेकिन मैं जितना ज्यादा एक्सप्लोर करती जा रही हूँ नॉर्थ ईस्ट को, उतना ज्यादा मुझे प्यार होता जा रहा है नॉर्थ ईस्ट से. मतलब मन करता वाकई में कि आप विजिट करो, लोग इतने अच्छे हैं और खूबसूरत हैं, बहुत वाइब्रेंट सी उनकी पर्सनालिटी है, कलरफुल सा कल्चर है. फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो उनके खुद के मतलब जो उनके फेस्टिवल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. एक तो है ना कि हम लोगों को कॉन्सर्ट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, वो वाले मैं फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रही, कल्चर जो उनके कल्चरल फेस्टिवल्स हैं वो बहुत खूबसूरत है. स्पेशली जो एक लास्ट में हम लोगों ने देखा था ना, हाँ कुछ इस तरह से करके था वो वाला फेस्टिवल, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. जिस तरीके से वो यू नो डांडिया के बीच में वो डांस कर रहे हैं, और मतलब वो काफी डिफिकल्ट है. और आप चैपचर कुट, ये मिजोरम का फेस्टिवल था. अच्छा, अब इस फेस्टिवल में ये जो इन्होंने डांस किया ना डांडिया के बीच में, ये मैंने बहुत देर पहले एक बॉलीवुड की मूवी में जो है ये डांस देखा था, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये डांस जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का है. अब मुझे पता चलता है कि जब लोग मतलब इस तरह से जो डांस शोज होते हैं उस मंच पर आते हैं, तो जो वहां पर जजेस होते हैं मतलब डेफिनेटली लोग डिफरेंट डांस ट्राई करते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि लाइक मतलब वो डेफिनेटली मास्टर है, उन लोगों को पता ही होगा. बट इंडिया के अंदर ही खुद इतने डांस फॉर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कि मुझे लगता है कि मतलब उन सबको सीखना एक बहुत बड़ी बात है. आपके पास बहुत वैरायटी है सीखने के लिए. और इसके अलावा भी अगर बात करें तो ये जो हमने फेस्टिवल्स देखे हैं उसके अलावा जो फेस्टिवल्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में मनाए जाते हैं, उसमें एक अम्बू बच्ची मेला है जो कि असम में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और एक है नोंगक्रम डांस फेस्टिवल जो मेघालय में किया जाता है. अच्छा, काफी सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि इसमें डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन हम लोगों ने जो जहां तक पढ़ा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. और उसके अलावा एक तोरगिया फेस्टिवल है जो कि एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का. और देन आता है द्री फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, और ये भी कल्चरल फेस्टिवल ही लग रहा है. और ये थोड़ा मोर्सू फेस्टिवल है, ये नागालैंड का फेस्टिवल है. बिल्कुल. और फिर आ जाता है मोपिन फेस्टिवल जो अगेन अरुणाचल प्रदेश. फिर उसके बाद दी अलोइंग फेस्टिवल ऑफ दी ऑलिंग फेस्टिवल ऑफ दी कोनयाक ट्राइब नागालैंड. बहुत मुश्किल. फिर है वांगला फेस्टिवल मेघालय. और फिर उसके बाद आता है, मेरे सारे मुश्किल आ रहे हैं, एम योको फेस्टिवल. खाली योको होगा, फिर एम साइलेंट होगा, योको फेस्टिवल या एम योको फेस्टिवल है. मयोको भी हो सकता है ना, मयोको भी हो सकती है. काफी ज्यादा जो है क्योंकि हमें अब एग्जैक्ट नाम नहीं पता इसका नाम क्या है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल प्रदेश का है. बिहू फेस्टिवल के बारे में हम लोगों को मतलब मैंने नाम सुना हुआ है फेस्टिवल. मेरे एक बहुत पुराने दोस्त
दोस्त हैं जिनका नाम है विश्वजीत। बेसिकली वो जो है असम के हैं, तो जब भी बिहू फेस्टिवल आता है तो वो जो है ट्रेडिशनल अपने ये जो इन्होंने ड्रेसेस पहने होते हैं ना, वो भी उनके घर वालों ने पहने होते हैं, तो वो जो स्टेटस लगाते हैं बहुत अच्छा लगता है देखा। अच्छा, और एक मैं जीरो फेस्टिवल के बारे में बात करना चाहूंगी, वो मुझे बहुत क्यूट लगा एक्चुअली में, जिस तरीके से वहां पर एक छोटा सा कॉन्सर्ट के लिए स्टेज बनाया गया और जैसे लोग ओपन एयर में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं और साथ में म्यूजिक सुन रहे हैं, मुझे ये चीजें बड़ी अच्छी लगी। और मुझे जो है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसका एक सेक्शन उन्होंने दिखाया था जहाँ पे कैंपिंग बहुत ज्यादा हुई हुई थी, मुझे वो बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैं शुरू से जो है ना कैंपिंग करने का बहुत शौक है, आज तक मैंने कभी कैंपिंग की नहीं वैसे। अच्छा, जो कैंपिंग थी मतलब वहाँ पर जब एंटर होते तो किस तरीके से वेलकम भी इतना अच्छा किया गया और साथ में मतलब क्यूट क्यूट चीजें, जैसे कि अगर आपको लाइक डायरेक्शंस अगर देनी है उसके लिए जो साइन बोर्ड यूज किए हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा, बहुत क्यूट है सारा कुछ, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि डिफरेंट हम लोगों ने चीज देखी है। एंड आई होप कि हम लोग आने वाले दिनों में डिटेल में देखें फेस्टिवल्स, डिफरेंट डिफरेंट जो कि कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि बहुत मजा आएगा मुझे देखने में। और एक और चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज जो डिफरेंट बैंड्स हैं जो काफी फेमस है नॉर्थ ईस्ट साइड पर, वो भी हमें जरूर बताएं क्योंकि हम सुनना चाहते हैं म्यूजिक। सही बात। और इसी के साथ अब आप मुझे जो आज हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब वीडियो एंड की पसंद। गुड बाय।